अब्दुल बादशाह कहाँ है? बताओ मुझे बादशाह कहाँ है? यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि बादशाह कहाँ है। तुम मुझसे पूछ रही हो? उस फरेबी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। धोखा दिया है उसने मुझे। उधर मेरा मामा शराब में घुल घुल कर मर गया और मैं नाचते नाचते यहां तक आ गई इस उम्मीद में कि एक दिन बादशाह मुझे मिलेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बादशाह से बदला लेना मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद है और तुम्हारे मकसद को पूरा करना मेरा मकसद है। राजू इधर आओ। आओ ना बेटी। कैसे हो? अच्छा हूँ। भूख लगी है? देखो आज माँ तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। आहा, ये सब कुछ मेरे बेटे के लिए। अच्छा अब मुझे जल्दी से बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है। मैं आपको ये खाना नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये खाऊंगा तो मेरी रोटी बच जाएगी। बाबा नाराज हो जाएंगे, शायद डांटेंगे भी। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, तुम ये खाना खा लो और मैं तुम्हारा टिफिन खा लेती हूँ। हाँ अब तो तुम्हारे बाबा नहीं डांटेंगे ना। नहीं वो नहीं डांटेंगे। वेरी गुड, चलो बैठो। बेटे को आप जैसे लोगों की मेहरबानियां नहीं चाहिए, ना कि आप जैसे बड़े लोगों की दया चाहिए उसे। मेम साहब, हम गरीबों के पास एक ही चादर होती है जो आंख खुली रहने तक ओढ़ी जाती है, आंख बंद हो जाने के बाद उसी का कफन बना दिया जाता है। आइंदा से हम गरीबों की चादर को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन मेरा कसूर क्या है? तो सिर्फ उसे प्यार दे रही हूं। और कौन कहता है कि प्यार बांटने से आपके लिए उसका प्यार कम हो जाएगा? बच्चे स्कूल में जिन्हें अमीरों के प्यार की सख्त जरूरत है, और अगर यहां ना मिल पाए तो किसी अनाथालय में जाकर अपने प्यार को मनमाने तरीके से बांटिएगा। मगर मेहरबानी करके मेरे बच्चे को भूल जाइएगा। वो तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि मौत का ऐसा खेल सिर्फ बादशाह ही खेल सकता है। यहां क्यों आए हो? चले जाओ यहां से। अपने पुराने दोस्त से बात करने का ये सलीका तो नहीं है बादशाह। पिछले 7 सालों में तू एक दिन भी मुझसे मिलने के लिए जेल में नहीं आया। खैर, एक शरीफ आदमी दूसरे शरीफ आदमी को भूल सकता है, लेकिन एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को नहीं भूलता। मैं इतने दिनों के बाद जेल से बाहर निकल के आया हूं और तुझे मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? देखो, नहीं मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सुनना है, नहीं मुझे तुमने कोई दिलचस्पी है।
चुपचाप यहां से चले जाओ। चला जाऊंगा, पहले मेरे रुपए मुझे वापस कर दो। कौन से रुपए की बात कर रहे हो तुम? बाहर भोले भंडारी, जरा ही अपने यहां पे दिमाग पे जोर डाल के याद करने की कोशिश करो कि जब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था तो वो रुपए तुम्हारे पास ना आए। वो रुपए और माल पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया था, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है तो ये घर परिवार, ये बाल बच्चे, ये सुख चैन तुझे क्या वहां पे बड़े मिले थे जहां से पुलिस ने मेरा रुपए अपने कब्जे में किया था? हमारे यहां हर चीज का बराबरी का बंटवारा होता आया है, तूने अपनी किस्मत बुलंद करने के लिए हम सबके साथ धोखा किया। बस इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं हमेशा के लिए भूल गया बादशाह। तू अपने आप को बुला सकता है लेकिन सुल्तान ना तो तुझे कभी भूल पाया है और ना ही कभी भूल पाएगा। याद रखना, सुल्तान वो बारूद है जिसे मेरी एक छोटी सी चिंगारी जलाकर तेरे खुशियों भरे खलियान को राख कर दे। गुस्सा तूने मुझे नहीं, सुल्तान के मुंह पे मारा है बादशाह। अब या तो सुल्तान यहां कर इसका हिसाब लेगा या तुझे वहां जाकर इसका जवाब देना होगा। इसका फैसला मैं तुझ पे छोड़ूंगा। बाबू लोहार कौन है? रुक जाओ सुल्तान, मैं यहां सिर्फ यह समझाने आया हूं तुम्हें कि अपने जंगली कुत्ते और गीदड़ को समझा के रखना कि शिकारी बनने की कोशिश ना करें, मुझसे जितना दूर रहेंगे उतना ही इनकी जिंदगी बनी रहेगी और सेहत में बरकत भी होगी। इतने वर्षों के बाद आज तो मुझे मिला, खुश होने के बजाय सीधे आग उगलने लगा अपने रिश्ते के बारे। किस रिश्ते की बात कर रहे हो सुल्तान, किस रिश्ते की? एक रोटी के बदले में तुमने मुझे जानवर बना दिया, हर दाने का हिसाब तुमने मुझसे गुनाह करवा के लिया। अब ना कोई कर्ज है तुम्हारा मेरे ऊपर, ना ही कोई रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ। मैंने तेरे भूखे और नंगे बचपन को नई जिंदगी दी, मुझे पाप का दर्जा देने की बजाय मेरा पाप बनने की कोशिश मत कर। पाप तो मैं बन चुका हूं सुल्तान, एक बाप के दिल में बेटे के लिए कितनी मोहब्बत होनी चाहिए ये मुझे तुमसे समझने की जरूरत नहीं है। एक बात तुम मुझसे समझ लो, आज के बाद तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। बादशाह, जुल्म की दुनिया में आने के अनगिनत रास्ते हैं लेकिन यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। बचपन से लेके आज तक सिर्फ तुमने मुझे जाना है सुल्तान, पहचाना नहीं। मैं फैसला नतीजे की परवाह करके नहीं करता, आखिरी फैसला कर चुका हूं इसलिए यह आखिरी मर्तबा आया हूं, दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। मैं चाह रहा हूं सुल्तान। बादशाह, तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया बेटे? यहां आना सिर्फ मेरी मर्जी से होता है और यहां से जाना भी सिर्फ मेरी ही मर्जी से होता है। कौन रोकेगा मुझे? पीछे मुड़कर खुद देख लो।
जिंदा होता तो इसी जमीन में तुम लोगों को जिंदा कर देता। ये बाबू लोहार का हाथ है जिसमें बादशाह से भी ज्यादा ताकत है, लेकिन इस पे एक लगाम है जिसे इंसानियत कहते हैं, जिसे न तुम लोग समझते हो न समझ पाओगे। ये हाथ सब तुम लोगों के लिए इशारा नहीं, मेरी तरफ से आखिरी नसीहत है। नहीं अकबर, बादशाह को मारने की गलती मत करना। वक्त ने बादशाह की ताकत और खूबियों को और बढ़ा दिया है। ये तो एक छोटा सा इम्तिहान था। जिंदा बादशाह हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, हमें उसकी बहुत जरूरत है। और अब्दुल, मैं हर हाल में उसे लौटा कर वापस लाऊंगा। राजू कहाँ भागे जा रहे हो? देखिए मैडम, आपके साथ ना तो मेरा कोई रिश्ता था, ना है और ना ही जुड़ सकता है। बाबा के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, और उनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आइंदा से आप मुझसे मिलने की कोशिश ना करें। मैडम, ऊपर सब लोग बोर्ड रूम में मीटिंग के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। की तबीयत खराब है तो आज मदर्स डे के इस फंक्शन में गाना कौन गाएगा? कौन गाएगा? अरे अपना राजू भी तो अच्छा गाता है। मदर्स डे पे राजू क्या गाएगा, उसकी तो माँ ही नहीं है। वो क्या जाने माँ क्या होती है।